नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। इनेलो जिला प्रधान सुलीन लांबा की बेटी की शादी में पहुंचे अभय सिंह चौटाला। वहीं पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ गठबंधन बनने से पहले टूट चुके हैं। हमने बसपा के साथ अपना गठबंधन का धर्म निभाया, उन्होंने क्यों तोड़ा वह उन्हीं से जाके पूछिए। आप देख रहे हैं पल पल भिवानी से अमन शर्मा की ये रिपोर्ट। भिवानी में नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने दावा किया कि इस बार देश और प्रदेश में किसी एक दल की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए आप पार्टी व जेजेपी के गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनसे पहले वह टूट जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वे विधानसभा में सीएम मनोहर लाल खट्टर से पूछेंगे कि उन्होंने किससे प्यार किया है और किससे जंग लड़ी है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला भवानीखेड़ा कस्बा के गाँव अलकपुरा में पहुंचे थे और वहां पर वह अपनी पार्टी के जिला प्रधान सुनील लांबा की बेटी की शादी में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए ताज़ा राजनीतिक हालातों व इनेलो द्वारा जल्द ही एक बड़ी रैली करने पर चर्चा की। वहीं दूसरी ओर टिकट बेचने के बयान पर सांसद दुष्यंत चौटाला द्वारा माफ़ी मांगने के बयान पर अभय ने कटाक्ष करते हुए कहा कि बयान कोई भी दे देते हैं, बयान देना आसान होता है और अदालत जाने पर जोर आता है। इसी दौरान उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि कुछ लोग पैसे लेकर टिकट देने वाले हैं, लेकिन ओम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को एहसास हुआ तो उन्होंने पैसे लेने वाले को लाइन से अलग कर दिया। जिन लोगों ने पैसे दिए थे और उन्होंने टिकट उनको नहीं मिली, वे आज भी रोते फिरते हैं। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। कई गठबंधन ऐसे भी है जो बड़े न्यूज से पहले खत्म हो गए और प्रदेश और देश के जो राजनीतिक हालात हैं उससे ना तो ऐसा लगता कि देश में कोई स्थायी सरकार बन पाएगी और ना ही प्रदेश में इस किस्म के हालात है कि अब की बार कोई पूर्ण बहुमत से आ सकता है। हंग असेंबली आएगी, हंगी पार्लियामेंट आएगी, इसके लिए लोगों को एक फैसला लेना पड़ेगा कि हंग की जगह स्थायी सरकार बने ताकि लोगों के कामकाज में कोई दिक्कत नहीं आए। चौटाला साहब के जो कार्यक्रम अब बने और चौटाला साहब के प्रति लोगों का जो एक उत्साह है उससे आने वाले समय में 100% लोग बदलाव की तरफ बढ़ेंगे। हम जल्दी एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं और उस रैली से इस बात का एहसास प्रदेश में जरूर होगा कि अगली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के चौधरी देवीलाल के विचारधारा की बनेगी। एक दो दिन में हम अपने सारे नेताओं से सलाह मशवरा करके इस बात का फैसला कर लेंगे कि कितनी तारीख को बड़ी रैली की जाए। प्रदेश भर के साथियों को बुलाएंगे उसमें और उसी दिन जैसे जींद के अंदर लाखों लोग इकट्ठे होकर के एक मैसेज दिया था, फिर से एक बार जींद की तर्ज पे ही लोग यहाँ पे उस रैली में पहुंचेंगे और उस पे इस बात की मोहर भी लगाएंगे। सर, इनेलो से गठबंधन टूटने के बाद चर्चा है कि बीजेपी से गठबंधन होने वाला है। हमारा गठबंधन तो जनता के साथ है, हमने जनता की बात को ध्यान में रख करके बीएसपी से गठबंधन किया। आम आदमी की एक आवाज़ थी कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गठबंधन हो और हमने तो उस गठबंधन को पूर्ण रूप से निभाने का काम किया। भाजपा इसके बीएसपी के नेताओं ने क्यों जल्दबाजी करी, क्यों उन्होंने फिर से हमारे से अलग हट करके कहीं और गठबंधन करने की जरूरत महसूस करी, इस बात का जवाब तो वही दे सकते हैं। बीजेपी से कितनी संभावना है? ये तो मैंने आपसे बताया, भी हमारा गठबंधन तो लोगों के साथ है। चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखने वाले लोगों की इस देश और प्रदेश में कमी नहीं है। लाखों लोग चौधरी देवीलाल के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी नीतियों में विश्वास रखते हैं। इसीलिए कल परसों ही डॉक्टर अशोक कश्यप जो पूर्व में विधायक थे, जो कांग्रेस में थे,
उन्होंने चौटाला साहब के आते और अपना विश्वास जो भी देवीलाल की नीतियों में व्यक्त किया, चौटाला साहब के साथ पार्टी ज्वाइन कर ली। अनेक ऐसे लोग हैं जो अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन करेंगे। माना जाए कि अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी के साथ जा सकते हैं इनेलो चुनाव? ये सवाल आप बारी बारी क्यों पूछ रहे हो, क्या मतलब है? मैंने आपको सीधा बता दिया कि हमारा गठबंधन लोगों के साथ है। आपको मुझे लगता है कि प्रेस के पास अब सवाल नहीं बचे, ले दे के एक ही जगह आके खड़े हो जाते, अड़ जाते हैं वहाँ खड़े हो। अक्सर मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि प्यार और जंग की तरह राजनीति में सब कुछ जायज है। विधानसभा का सत्र आ रहा है, मुख्यमंत्री विधानसभा में मिलेंगे, 100% पूछूंगा कि किससे प्यार किया, किससे जंग लड़ा आपने आज तक, ये तो बता दो। जो हर चीज को जायज मानते हो, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी निभानी चाहिए थी, नहीं निभा पाए। सर आपने कहा था कि अजय चौटाला ने टिकट बेचे, उस पर दुष्यंत ने कहा कि या तो माफी मांगे या फिर अदालत में आमना सामना। अदालत में जाए तो सही, अखबार में बयान देना और अदालत में जाने में जोर आवे, बयान तो कोई दे दे। टिकटें बेची नहीं, जिनसे टिकटों के पैसे लिए अब तक भी नहीं दिए, वो तो रोते हंड हैं। उन लोगों के नाम आगे उजागर कर रहे हैं जिनको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने टिकट दी थी। इन्होंने तो जिनको पैसे लेकर के जिनको ये आश्वासन दिया था टिकट देंगे, उनको तो चौटाला साहब ने टिकट दी नहीं। उनको जैसे इस बात का आभास हुआ कि कहीं तेरी पार्टी की टिकटें ब्याज बेची जा रही है, उन्होंने तुरंत उन लोगों का उस पंक्ति से नाम अलग कर दिया।